सो हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एलीट i20 है 2019-2020 मॉडल। इसमें आपके बेसिकली जो एक बटन है उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या उसका काम है, तो अपन आज इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अपने आप जो चैनल पे एक कमेंट आया था कि सर आप बता दीजिए कि जो ये स्टीयरिंग व्हील के बटन्स हैं इनके सारे क्या फंक्शन है, पर अपन स्टीयरिंग व्हील के ही नहीं सारे के सारे बटन्स को ही कवर कर देंगे। जैसे कि किसी को किसी भी बटन के बारे में जानना हो जस्ट इन केस, तो फिर अपन इस वीडियो का रेफरेंस दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो से। तो सबसे पहले अपन ड्राइवर साइड के डोर से स्टार्ट करते हैं। तो ड्राइवर साइड के डोर में अगर अपन देखें तो ये यहाँ के बटन्स हैं जो आपको टोटल मिलते हैं। ये सारे पावर विंडो से रिलेटेड हैं और ये आगे के जो हैं ये ORVM से रिलेटेड हैं। ORVM मतलब आउटसाइड रेयर व्यू मिरर। सबसे पहला बटन है, इसको ORVM को बंद करने के लिए बंद हो गए, इसको खोलने के लिए ये खुल गए, और ये उनको एडजस्ट करने के लिए लेफ़्ट वाले को और राइट वाले को बीच में न्यूट्रल हो जाता है, और फिर आप ऐसे लेफ़्ट राइट करके इसको सेटअप इनको कर सकते हैं। फिर पावर विंडो कंट्रोल्स आ गए। पावर विंडो कंट्रोल्स में अगर अपन देखें तो ड्राइवर साइड जो आपका पावर विंडो है ये आपको ऑटो अप ऑटो डाउन के साथ मिलेगा, बाकी बिना ऑटो अप के मिलता है, आपको मैनुअली करना पड़ेगा। और ये है अगर आपको चाइल्ड लॉक लगाना है रेयर वाली विंडोज़ पे उसके लिए। अब यहाँ से अगर अपन नीचे की साइड देखें तो नीचे की साइड आपको सिंपल इधर बोनट खोलने का मिलेगा, और इधर नीचे आपको ये मैट से कवर हो रखा है, देख सकते हैं ये आपका फ्यूल ओपन करने वाला लीवर। इधर की अगर बात हम करें तो मैं लाइट ऑन कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा जी। तो ये वाला जो स्विच है ये आपका MID की जो ब्राइटनेस है उसको कम ज़्यादा करने के लिए, देखो ब्राइटनेस ऐसे कम हो गई, ऐसे ब्राइटनेस इससे करने से बढ़ गई। और ये है आपका हेडलाइट लेवलर, आपको हेडलाइट लेवल करने के लिए काम आएगा ये वाला स्विच। अब इस साइड आ जाएगा स्टीयरिंग पे जो भी स्विचेस हैं, अगर वहाँ पर उनकी बात करें तो इस साइड जो आपको स्विच मिलते हैं ये आपके सारे MID के लिए हैं। अलग अलग मोड्स में जाने के लिए MID के लिए ये वाला बटन यूज़ होएगा, और ब्राउज करने के लिए आप देख सकते हैं उधर, अगर आपको दिख रहा हो तो रुको मैं फोकस में जाता हूँ उसको। हाँ जी, तो ये देखो आप उसको ब्राउज करने के लिए आप इसको यूज़ करेंगे। और नीचे आपको ओके किसी भी फंक्शन के अंदर एंटर करने के लिए या फिर ट्रिप्स को रीसेट करने के लिए ओके बटन दिया गया है। अब इस साइड अपन अगर देखें तो जो भी अपने को मिलेंगे ये सारे म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं। म्यूट, मोड चेंज करना म्यूज़िक के, वॉल्यूम अप डाउन, ट्रैक अप डाउन, कॉल पे क्या वॉइस कमांड्स या फिर कॉल को कट करना, तो ये सारे फंक्शन इधर हो गए। और लीवर्स की अगर बात की, ये हेडलाइट इस साइड है लीवर और वाइपर का लीवर इस साइड है। इन दोनों की स्पेसिफिकेटेड एक वीडियो चैनल पर पहले आ चुकी है। इस साइड देखें तो पुश बटन स्टार्ट है। अब पुश बटन स्टार्ट पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, इसमें कुछ थोड़े यूनिक फीचर्स भी होते हैं इस बटन के, उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में कवर कर दूंगा। पर आपको इस साइड ये वाला बटन मिलता है। अगर इधर की साइड अपन जाएँ तो ये डोर्स को लॉक या अनलॉक करने के लिए हैजार्ड लाइट स्विच आ गया इधर। फिर सारे म्यूजिक सिस्टम के स्विचेस आ गए, इसको वॉल्यूम बढ़ाना कम करना, ऑन ऑफ, स्पेशल प्रोग्रामेबल बटन है ये, मैप्स या नेविगेशन, रेडियो, मीडिया। फिर ट्रैक को आगे पीछे करना, सेटिंग्स में जाना है या ट्यून करना आपको, तो ही उसके लिए ये वाले सारे बटन्स हैं। ये सिर्फ म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड बटन्स हैं। नीचे के साइड सारे क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड बटन्स हैं। इन ये सारे AC का टेम्परेचर सेट करना है आपको, ऑन ऑफ करना है, फ़ैन स्पीड, मोड सारे, आगे का डिफॉगर, पीछे का डिफॉगर, आपको जो भी करना है, सर्कुलेशन ऑन ऑफ करनी है यानी। और नीचे की साइड जाओ तो आपको 12 वोल्ट का नहीं, बेसिकली ये चार्जर ही है, सीधा चार्जर इनबिल्ट है इसमें, आप सीधा USB केबल लगा के फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। ये आपका म्यूजिक सिस्टम के लिए हो गया, USB पोर्ट, ऑक्स पोर्ट, और यहाँ पे वायरलेस चार्जर का लगा हुआ है अडाप्टर जिसमें एक और एक USB पोर्ट है। तो कुल मिला के यही बटन्स हैं इसमें। और अगर अपन ऊपर की साइड देखें तो ऊपर की साइड आपको बस इधर सनग्लास होल्डर मिलेगा, और इस सिर्फ सिंपल लाइट के कंट्रोल्स होंगे। तो यही एक सिंपल वीडियो थी जिसमें बटन्स के बारे में बताया मैंने। इतनी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो तो नहीं है पर ये, पर हाँ अगर पूछा गया था तो मैंने सारा ही बटन्स का आपसे बता दिया। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। 860 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, जल्दी से जल्दी अपने को 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवाने हैं, तो प्लीज़ हेल्प कीजिए उस चीज़ में। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।